तो सुस्वागतम एवरीवन। ये हम लोगों का सेकंड पॉडकास्ट पार्ट टू सर्प सत्र का, और हम लोग फिर से वही पुराना कास्ट वापस आ रहा है। मैं डैलस से, इंद्राशीष नेदरलैंड से, जीत भाई सैंडियागो से, और कॉमिक फिर से दोस्त गलत अमित सैनोजे से। ओके। और अपने अंशुल भाई दुग्गल साहब जो है वो ब्रैम्पटन से। ऐसा मुझे लगा भुला ही दिया भाई, इससे कैसे पहले हो सकता नागराज को बर्थडे विश कर दो, है? हमें हैप्पी वापस बर्थडे एयरपोर्ट नहीं। नागराज को। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे नागराज। नागराज। ये और ये क्लिप भेज देना आगे लोगों को जो बहुत हैप्पी पूछ रहे हैं कि बर्थडे। बर्थडे विश किया कि नहीं किया। एक ट्वीट एडमिन को भेजना, मैंने विश किया है। किया था लास्ट टाइम पार्ट टू और पार्ट थ्री डिस्कस करके। तो पार्ट फोर हम लोगों का आज डिस्कशन रहेगा, जो कि है सर्प काल। सर्प काल में सारे भेद खुलते हैं और सब पता चलता है कि मेन विलेन कौन है। तो स्पॉइलर से शुरू किया जाए या फिर कुछ सस्पेंस बना करके शुरू करें, क्या अरे करना है? देखो, अब तक जिसने जिस जिसे पढ़नी होगी उसने पढ़ ली होगी, और बाकियों की हिम्मत नहीं होगी, तो आप स्पॉइलर दो या ना दो फर्क नहीं पड़ता। वेरी मैं गुड। अभी पांचवा भी कंफ्यूज हूँ कि चौथा पार्ट पार्ट सर्प काल है कि पांचवा पार्ट सर्प काल पांचवा है। यू आर नॉट कंफ्यूज, बाबा इज पांचवा कंफ्यूज। मैंने चौथा बोला था। हाँ और ये पांचवा है इंसान वो। नोट्स बना रहा था। सो आई हाँ, थिंक ये मैं सर्प चेक काल करना चाहता था कि 64, आप लोग अटेंशन पे कर रहे हो कि नहीं। सो जीत भाई, यू गॉट ऑल द फुल सर्प काल मार्क्स। 64 पेजेस का है, राइट? सर्प काल भी 64 पेजेस का है। अगेन आपने भी स्कोर कर लिया। नहीं यस, 64 पेजेस, गुड। नहीं बस अभी बस इतना ही याद सर, एग्जाम के लिए मतलब सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन लेके बैठे हुए हैं, राइट? कि भाई कुछ तो लिखना हाँ। है, कुछ देखो, तो मुझे लिखना है। मुझे एक्स्ट्रा मालूम है, आरसीएमजी से पब्लिश हुई है बुक। यस, गुड। ये और है मैं वो होता गारंटी के है ना साथ कहता कि हूँ कि एमजी ने भी नहीं पढ़ी होगी, मनोज गुप्ता ने भी नहीं पढ़ी होगी नहीं किताब। पढ़ी होगी यार, वो भी बोला, अरे यार हटा यार, क्या है ये। पहली बार लाइफ में बट ऐसा हुआ कि ऐसा मत तीन कहो से चार बार पढ़ने के बाद भी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैंने क्या पढ़ा भाई। है। मनोज गुप्ता ने कहा था ना कि चंद्रकांता से भी कंफ्यूजिंग होगा। कॉम्प्लेक्स। यस वो हाँ सर्पकाल का बोला था ना, भाई पूरी सीरीज को चंद्रकांता। बोला था। लेकिन अगर आप दोबारा पढ़ोगे या तीसरी बार पढ़ोगे तो कुछ कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे लास्ट पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि सोडांगी किधर है, जिसमें जीत भाई और मैं बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। तो अभी ये वाला पार्ट दोबारा पढ़ोगे तो एक पैनल दिया है जिसमें अप्सरा बोलती है कि वो मेरे रूप में बेहोश पड़ी है पार्किंग में। तो अच्छा, ऐसा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जैसे अनुपम सर बोलते हैं ना अपने कॉमेंट्स में, आपने ध्यान से नहीं पढ़ी है इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रही है कॉमिक्स। ये और जाओ बताओ, पहले वापस रिवाइज करके आओ। दो हाँ तो पढ़ लेंगे बार बार, चौथा पांचवा कौन पढ़ पाएगा? मैं तो कह आई रहा हूँ थिंक पांचवा ही पढ़ो। पांचवा जो पढ़ना है ना वही अपने, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर इसका सी आएगा उसमें उन लोग डबल पेजेस कर सकते हैं सिर्फ समझाने में कि भाई क्या सोच के हमने ये लिखा था। क्योंकि जो मतलब जितने लास्ट में इतना कंडेंस्ड है ना कि इट्स जस्ट टू मच। कौन क्या चेंज हो रहा है, कहाँ से क्या स्टोरी आ रही है, वो बेसिकली और छठा और सातवां पार्ट आना चाहिए था एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में। इसीलिए मुझे लगता है वो छठा पांचवा पार्ट ना आए तो उन्होंने एक ही पेज में पूरा निपटा दिया। लास्ट का एक पेज देखोगे ना, सब कैचम कैच खेल रहे हैं वो मड़ी के साथ, और उसके बाद लास्ट में निपटा दिया, खत्म। और आप जितनी बार पढ़ोगे ना आप पूरा कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि अनुपम सर को छोड़ के किसी ने ये पढ़ा ही नहीं होगा प्रिंट करने से पहले। डेफिनेटली। मतलब कलरिंग मिस्टेक्स भी मुझे तक नजर आ रही है कि कहाँ, मतलब वेदाचार्य और नाग कलरिंग। बाबा दोनों चेंज हो गए। अरे एक पेज में तो वेदाचार्य की आंखें दिखा दी हैं, उसमें आईबॉल्स दिए हुए हैं उसमें। मतलब मुझे लगता है कि एक बार को अनुपम सिन्हा भी बोल रहे हो यार चल बना ही देता हूँ यार, एक बार आके सब तो देख ही रहे हैं ये वैसे कैरेक्टर। ईस्टर एक डाले होंगे ना कि ताकि लोग पहचान सके, राइट? स्पॉट द डिफरेंस काइंड ऑफ। एग्जैक्टली। तो ये तो है। लेकिन हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि कोई भी पब्लिशर होता है वो आर्ट वर्क को लेकर के जो स्टार्टिंग के जो जैसे पांच भाग की ये सीरीज थी, तो फर्स्ट पार्ट इन्होंने बहुत अच्छा कलर इंक जगदीश से करवाया। उसके बाद यार विनोद जी को दे दिया यार, विनोद जी ने बहुत चौपट करा यार इंक। और लास्ट पार्ट तो ऐसा लग रहा है ना इंक कि विवेक ब्लर हो भाई में गया फोकस पूरा। करो ताकि लोगों को पता चले कि ये आरोप कहाँ से आ रहे हैं, सब मेरी शक्ल देख के मुझे ही बाद में पकड़ेंगे। हाँ।
नहीं नहीं तो लास्ट मैं पार्ट वाला मानता तो हूँ। ऐसा था, लास्ट पार्ट वाला ऐसा नहीं लग रहा तुम लोग को कि मतलब काफी ब्लर हो गई है इंकिंग? मतलब ऐसा लग रहा है जैसे प्रिंटर में गई होगी ये तो आपकी गया। आर्टिस्ट वाली निगाहें हैं, हम लोगों को तो स्टोरी से ही दिमाग उलझा हुआ है इतना कि आर्ट आर्ट पे ध्यान ही नहीं जा रहा है। नहीं, पर पर एक इम्पोर्टेंट पार्ट जगदीश से इंक करवाया, जगदीश ने बहुत अच्छा इंक किया है और पेंसिलिंग तो अच्छी थी, मतलब अच्छी है ही अनुपम जी की, तो उसमें अगर जगदीश इंक कर देता है तो बहुत अच्छा लगता है। बट फिर यार पता नहीं क्यों विनोद जी का जो इंकिंग है ना थोड़ा मोटा सा है, काफी उनकी जो लाइंस होती हैं काफी मोटी होती हैं, तो मुझे उतनी नहीं भाती, बट मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी इसके ऊपर। आई एग्री बाबा, मतलब इंकिंग का लास्ट पार्ट में मतलब दो तीन फ्रेम नागराज के देखना, नागराज के दोनों आंखें को देखना ठीक है इंकिंग में। मैं कुछ कुछ एक्शन सीन्स के मैं स्क्रीनशॉट्स भी डाल सकता हूँ, स्पेशली नागराज के। नागराज का एक एक्शन सीन है, वो किसी को मार रहा है सामने, उसका एक आंख इधर है एक आंख इधर है, इच्छाधारी है भाई वो सामने लग रहा है तो वो समझ में आता है कि मतलब वो जब तुम आर्ट में देखोगे ना तो मतलब तुमको समझ में आएगा कि यहाँ तक ठीक है, मतलब इस साइड का प्रोपोर्शन ठीक है बट इस साइड का कुछ तो हो गया वहां पे, मतलब समथिंग वो बोलते ना लकवा मार गया या समथिंग लाइक दैट, उस तरह का कुछ हो गया। वो शायद ना वो ड्रिंक विद कोर कर रहा होगा टोस्टेड डब्ल्यूडीसी। हां वो डब्ल्यूडीसी। इससे पहले आगे बढ़े मैं क्लेरिफाई कर दूं, इंद्रशीर भाई का स्क्रीनशॉट से मतलब था कि वो फोटो लेके फिर डालेंगे। पर मैं यहाँ मतलब बाबा और इंदिरा भाई दोनों से एग्री करता हूँ कि जनरली मेरे को जो लाइक टीम है ना उससे फर्क नहीं पड़ता कि आई नेवर फोकस्ड ऑन कि किसने बनाई और ये सारी चीजें, बट जब सेकंड थर्ड बुक पढ़ी तो मैं वापस जाके चेक किया कि इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि पहले में इतना अच्छा दिखने में लग रहा था, सेकंड थर्ड ऐसा क्यों लग रहा है, तो तब मैंने देखा कि हाँ भाई इंकिंग में देयर हैज बीन अ न्यू नेम एडेड। अब मुझे तो इंकिंग का ऐसे डिटेल्स नहीं पता है, बट फॉर अ रीडर लाइक मी जो स्टोरी पे पहले फोकस करता है, इफ ही इज ऑल्सो फीलिंग अ डिफरेंस राइट, सो दैट मीन्स समथिंग वेंट सीरियसली रॉन्ग। और आई थिंक जो इतना 2 साल तक ये सीरीज चली ना, सेकेंड थर्ड वॉज टेकिंग अ लॉट टाइम और उसमें बहुत नेगेटिव वाइब्स क्रिएट हो गए, क्योंकि प्रलय का देवते के 2 पार्ट्स विद वेरी सुपरलेटिव आर्ट वाज ऑलरेडी देयर राइट फॉर कंपैरिजन। और बुरा ये लगता है ना कि जो 5th पार्ट है उसमें पहले आरसीएमजी ने डिले करा, उसमें आयुष गुप्ता ने ये भी कहा कि वी आर टेकिंग फीडबैक एंड वी आर इम्प्रूविंग, और फिर अगर आप इम्प्रूव करके राइट इम्प्रूव नहीं हुआ मतलब हाँ राइट, तो मतलब आपने इतना रॉन्ग ये कमिटमेंट कहा राइट कि ऐसे पब्लिक स्टेटमेंट रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट किया हमारे सेट करिए राइट आईटी राइट दोनों उन्होंने दोनों के लिए करा है, मतलब आपके जो ये महानागायण और ये सर्प सत्र का जो सर्प काल था कि ये कि वी आर इंप्रूविंग बट इम्प्रूवमेंट तो कुछ भी नहीं दिख रही भाई, रस्ट प्रिंटिंग है ये सर्प काल वाली, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब जैसे ही प्रिंटर से निकला पेपर कुछ सुखाया उखाया नहीं, फटाफट उसको सिलने में डाल दिया। अच्छा भाई फटाफट सिल दे बाइंड करके, वो तो आरसीएमजी का ट्रेडमार्क है ना उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, प्रिंटर का तो लेट अस नॉट गो देयर, बट एटलीस्ट लाइक कुछ तो एक बार पढ़ लो देख लो कि भाई कुछ चेंजेस करने नहीं करने, बस आगे निकाल देते हैं प्री ऑर्डर लगा देते हैं। मुझे इंकिंग का विनोद जी से मींस विनोद जी के मैं आर्ट वर्क एंड एवरीथिंग का मैं बहुत अरसों से फैन रहा हूं, मतलब हवा एंड तहलका ये सब सीरीज में प्रेत अंकल विनोद जी ने इनफैक्ट रिसेंटली तुम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, मैंने 13 घंटे भी खरीद के पढ़े हैं ठीक है, उसका आर्टवर्क इज गुड, आई हैव रेड दैट। एडविन भी बहुत बड़ा फैन है विनोद जी का, ऐसी बात नहीं है, तो उनका फैन मतलब ही हैज डन गुड आर्टवर्क एंड मतलब इंकिंग भी, इनफैक्ट उनके जो लेटेस्ट वर्क है वो भी मैंने देखा जहाँ पे उन्होंने आर्ट वर्क किया, 13 घंटे में उन्होंने आर्ट वर्क भी किया, इट्स अ वेरी डिसेंट आर्ट वर्क ठीक है, बट आई डोंट नो जहाँ पे भी अनुपम सर का एंड विनोद जी सर का कॉम्बिनेशन आ रहा है अभी रिसेंट टाइम्स में, समवेयर समथिंग इज मिसिंग, मतलब मैंने बहुत सारे ये हल्का हल्का ना मेरे को ये मेरी चर्चा होती रहती है अपने एडमिन से, जिनको नहीं पता एडमिन मतलब हम लोगों का एक एडमिन है, वो शायद कभी आएंगे इधर तो मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूँ कि एक बंदा है राइट विंग
और एक बंदा है लेफ्ट विंग अब बाकी आप लोग समझदार होंगे कौन राइट होगी कौन लेफ्ट है। वेलकम टू एनआरआई प्रेजेंट्स पॉलिटिकल पॉडकास्ट। बट समहाउ वो रीसेंट टाइम्स में मैंने देखा है कि वो इट्स नॉट गोइंग हैंड इन हैंड टू पुट इट इन दैट वे, जहां पे मुझे लगता है स्पेशली सरकार का तो मैंने देखा है रीसेंट मतलब जो भी जितने भी आए हैं उसका मैंने देखा है, फिर आई थिंक नाकायन में भी उनका है, फिर शीलभंग राइट तो मतलब सी ओरिजिनल आर्ट से वो बहुत थोड़ा सा ज्यादा चेंज हो रहा है। इनफैक्ट डैसलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव उसका तो एडमिन ने भी खुद ऑन पेन ऑन पेपर करके दिखाया था, तो समथिंग नीड्स टू बी लुक्ड इनटू दैट व्हाट हैज गॉन रॉन्ग, बिकॉज सी देयर आर टू पार्ट्स टू इट, मतलब दोनों ही बहुत अच्छे आर्टिस्ट है बट इफ बोथ थिंग्स कंबाइंड टुगेदर इज नॉट वर्किंग देन लेट्स अ पब्लिशर नीड्स टू लुक इनटू इट कि तो मनोज सर ना पैसे नहीं दे रहे बराबर मैं बोल रहा हूँ वो पैसे दे रहे ध्यान नहीं दे रहे बराबर ये दोनों ही नहीं दे रहे राइट वो भी तो सकते राइट पैसे तो दे रहे होंगे। अभी आरसीएमसी जी का क्रिएटिव हेड कौन है? सीईओ सीईओ है सीईओ सीईओ पूछ रहे हो आप? क्रिएटिव हेड नहीं पता लेकिन सीईओ मालूम है। क्रिएटिव हेड कोई नहीं है। उनका पूरा परिवार है किसी न किसी डिपार्टमेंट में, आप देख सकते हो। क्रिएटिव हेड है, देखो वही सीईओ ही स्टूडियो हेड है भाई। देखो कथा और चित्र अनुपम सिन्हा, इंकिंग विनोद कुमार, जगदीश कुमार, संपादन मनोज गुप्ता, रंग सज्जा भक्त रंजन, कैलीग्राफी नितीश शर्मा, मुख सज्जा प्रदीप सहरावत, कौन है प्रबंध संपादक विल बी क्रिएटिव हेड नहीं मीनू गुप्ता मुख्य एडिटर स्टूडियो हेड बट हां मतलब स्टूडियो हेड ऑफ क्रिएटिव सो आई थिंक दे ऑल नीड टू लुक इनटू इट दैट व्हाट इज हैपनिंग। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने दे दिया भेज दिया या तो इस मामले में मैं बोलूंगा आरसीएसजी का इट्स बेटर मींस व्हाटएवर देयर स्पीड एंड व्हाटएवर इट माइट बी बट उन लोगों का ये इस मामले में बहुत अच्छा है कि संजय जी खुद आर यू ट्राइंग टू से कि एक पोजीशन खाली है अभी स्टूडियो हेड की क्रिएटिव हेड की कहां पे कौन सी कंपनी में एमजीआरसीएमजी में हो सकता है मतलब इवन इफ इट इज ऑक्यूपाइड इट्स मेकिंग नो लाइक इंपैक्ट बट समबडी नीड्स टू लुक इनटू इट समबडी नीड्स टू लुक इनटू दिस थिंग्स ही काम बहुत अच्छे हुए इनफैक्ट देखो डैजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव आएगा मे बी इट्स नॉट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट But everybody is looking eagerly towards it. ठीक है, मैं तो खुद भी मतलब सब कोई बहुत सारे लोग but end of the day it comes down to artwork and combination of artwork and inking. अगर वो थोड़ा सा हट गया तो I think everybody including me will be disappointed. मुझे ऐसा लगता है already अभी Indian comics में comics ही कम आ रहा है, उसमें भी जो आ रहा है अगर उसमें भी product defect हो तो खलता है यार। Indian comics में comics तो कम आ ही रहे, वो एसोसिएशन ज्यादा बन रहे ऐसा नहीं लग रहा। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है मतलब विवेक भाई, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस राइट, अगर हम उस तरफ जाएंगे तो लाइक जस्ट गो इनटू भाई कमिंग बैक टू द टॉपिक सर्वकाल। इसमें अच्छा सर्वकाल में अब चलो मैं ही स्टार्ट कर देता हूँ क्वेश्चन आंसर। सर्वकाल कॉमिक दो तीन बड़े बड़े खुलासे हुए हैं तो आप लोग बताओ आप लोग उस खुलासों से खुश हो दुखी हो या कैसा लगा आपको। तो सबसे बड़ा खुलासा कि जो नाग बाबा है वो शिलादित्य है और वो बेटा है इसका वेदाचार्य का, तो कैसा लगा आप लोगों को वो जान के? हाँ, वो अप्सरा पोती बन जाती है ना, हमें बहुत खुशी हुई वेदाचार्य के लिए। हाँ मतलब अप्सरा जैसी पोती जिसकी होगी तोसी जैसा दामाद जिसका होगा राइट, और भारती ऑलरेडी नागराज पे दोरे डाल रही है तो मतलब वेदाचार्य का तो पूरा ही मतलब मेन पावर ही विल इन फ्यूचर ही विल बिकम मेन पावर सेंटर ऑफ नागराज। बट इसको लेके मेरी एक टिप बनी आई, नेवर फेल्ट इट व्हेन इट गोज हैंड इन हैंड, क्योंकि अगर तुम दोनों का टाइमलाइन देखो सेम टू सेम है, मतलब दोनों का एज सेम होना चाहिए, मतलब नॉट लेट्स से एज वाइज बट वेदाचार्य नाग बाबा
अरे तो वेदाचार्य, वेदाचार्य मुझे याद है खजाना में, आई थिंक खजाना या कहीं पे मेंशन। रुक जाओ बताता हूँ वो खुलासा कैसे हुआ है। उसमें नाग बाबा असली वाला है और उसने अपना प्राण डाल दिया है इसके अंदर, शिलादित्य के अंदर। तो अब वो नाग बाबा के ही रूप में रह रहा है बेसिकली, चाहे वो यंग हो चाहे बूढ़ा हो, मतलब उसने शरीर मतलब वैसे ही रूप धर लिया, नाग बाबा का ही रूप धर लिया ऐसा समझो। तो शिलादित्य बोलता है ना कि मैं खुद का प्राण त्यागने के लिए पाताल लोक आ गया और पाताल लोक आकर के फिर मैं तुमसे मिल गया और ये वो फलाना ढिमकाना। फिर नाग बाबा बोलता है कि हाँ एकदम सही समय पे आए हो, मैं अभी निकलने ही वाला था और तो मेरी मेमोरीज लेके जाओ गूगल फोटोज। और बोलता है कि तुम तो फिर यहीं पे रहो, तो वो भी एकदम मतलब भावुक हो जाता है शिलादित्य, बोलता है कि यार तुमने इतना सब किया है पाताल लोक के लिए, मतलब मतलब तिलस्मी पर्वत, तिलस्मी सूरज एंड ऑल दैट स्टफ, तुम साले चले जाओगे तो फिर पाताल का क्या होगा। तो बोलता है कि मैं धरती पर तो वापस जा नहीं सकता। तो नाग बाबा बोलता है कि नाग बाबा बनेगा, बोलता है हाँ मैं बनेगा। तो फिर अब से तू नाग बाबा। तो ये हो गया है फिर तो नाग बाबा ये अब शिलादित्य का बेटा। बोलो बोलो। नहीं वेदाचार्य का बेटा। मुझे ये जानना है कि तौसी की कॉमिक्स में भी ऐसा ही है क्या कि सिर्फ जो पाताल लोक है तौसी वाला उसमें कह रहे हैं कि सब कुछ नकली है, सिर्फ विश सागर असली है और जो जो भी है ये धरती पर्वत आकाश जो भी है पाताल लोक का ये तिलिश्म की शक्ति से है और वो तिलिश्म को कंट्रोल कर रहा है नाग बाबा और उसका पावर सोर्स है शेषनाग जो उधर का राजा है कि उसकी तिलिश्म की शक्ति को यूज करके मैं ये मेंटेन कर रहा हूँ और अभी वो छीण हो रही है तो तौसी को मैं यूज करूंगा उसके लिए। तो ऐसा इन्होंने बताया इधर। और तौसी भी कैसे बनता है, वो शिव जी की तीसरी आंख का कुछ तो भी ऊर्जा का जो अंश होता है उससे तौसी बनता है। तो मतलब कि जो शेषनाग है उसकी शक्तियां छीण हो रही है तो नया जनरेशन जो आया है तौसी उसकी शक्तियों से अब पाताल लोक चलेगा, पाताल की वर्चुअल दुनिया बेसिकली। वर्चुअल या टू रीड माय टॉसी बिफोर डोनेटिंग। नो पहले 20-30 कॉमिक्स पढ़े उसमें तो ऐसा नहीं था। ठीक है अच्छा। आप दो विपरीत धारा पे जा रहे हो, जो टॉसी है वो बहुत बेसिक है, मतलब दिमाग लगाना ही नहीं है, देयर इज नो ओरिजिन नथिंग राइट। और यहां पर दैट्स व्हाई हमारी कंप्लेन ज्यादा सर्वकाल से ये है कि देयर इज टू मच डिटेल्स राइट। और मतलब सोचा है उन्होंने यौगिक नाग अवतार हो रहा है एक तरीके से तौसी, उसके पास रुद्र की शक्तियां हैं एंड ऑल, बट वो एक दो डायलॉग में कवर कर देते हैं ना, तो देर आर सो मेनी थिंग्स टू थिंक अबाउट। आप शिलादित्य का ही पॉइंट ले लो, सपोजिटली वो अभी तक त्रुणाधार बन चुका है, अप्सरा का बाप बन चुका है एंड देन ही वेंट टू अ बैटल, ही केम बैक फॉर अ डे एंड देन ही इज एब्सकॉन्डिंग राइट। तो सपोजिटली दैट एब्सकॉन्डिंग ड्यूरेशन पे वो मिला है आपके ये नाग बाबा से and he then took his roop right, but jab wo nagbaba se mila he was in his same getup of shiladitya, not in the getup of a sipasalar. nahi ichhadhari right? nag mein tha na, ichhadhari nag mein tha, fir convert hota hai asli roop mein, dikhate ek frame, chota sa frame banaya hai anupam sir ne, but ye wo ichhadhari tha hi nahi na, but wo ichhadhari nag bana kaise apni wife ki shakti khud mein samayit kar liye, tilism are everything is possible with tilism. वो लॉजिक है कि तिलिस्म से कुछ भी कर सकते हो आप, एक नागू की मणि थी लास्ट पार्ट पॉडकास्ट में, इसमें तिलिस्म है उससे कुछ भी कर सकते हो आप। सो बेसिकली त्रिणाधार के रूप में वो हमेशा से तिलिस्म के थ्रू एज एन इच्छाधारी नाग रहा है, तिलिस्म के थ्रू वो दिखा रहा है लोगों के कि वो नाग है बट वो नाग नहीं है बेसिकली वैसा। जो है वो है। हाँ, नहीं, वो नहीं है वही वही तो मूल आपने पकड़ लिया बिल्कुल, सर पूरे सच का वही मूल ही है ना, व्हाट यू सी इज नॉट व्हाट यू एक्चुअली सी। चाचा ही भतीजा है यहाँ पर, दो तीन चीजें आ जाती हैं जैसे कि अपने मैंने पिछले बार भी बोला था ना, जैसे कि पब्लिशर ने और राइटर ने दोनों ने मिल करके ना कुछ मिथ ब्रेक किए हैं कॉमिक इंडस्ट्री के। पहला मिथ तो ये कि कॉमिक सिर्फ बच्चों के लिए होती है, नहीं बड़ों के लिए भी है। और ऐसी है कि तुम साला खुद को भूल जाओगे ऐसी कहानी है। बड़ों के लिए ये है कि ये तो डिटेक्टिव लोगों के लिए बनाई है, ये जो डिटेक्टिव लोग है ना वो पढ़ सकते हैं इस कॉमिक्स को। Right. इस कॉमिक्स के साथ बेसिकली एक नोटपैड लेके चलना पड़ेगा हर कैरेक्टर की जर्नी ट्रेस करते करते, फिर तब समझ में आएगा। या एक्चुअली कलेक्टर एडिशन
दुग्गल साहब क्या मस्त आइडिया दिया आपने, ये हम लोगों की तरफ से आइडिया, अब आरसीएमजी लेगा नहीं वैसे, लेकिन ठीक है, एक नोटपैड देना चाहिए उनको, मैच द फॉलोइंग पार्ट वन में कौन कौन है टेस्ट है ना, और एंड में पहले से ही प्रिंट करके रखना चाहिए यू हैव फेल्ड विनर, और विनर गेट्स अ गिफ्ट हैम्पर, या 10% 30% एडेड डिस्काउंट ऑन शिपिंग शॉपिंग वर्थ ऑफ 2000 जैसे ये हमने पढ़ा राइट पूरा सर्प सत्र, कोई भी ऐसे मेंटल पिवट है थ्रू आउट द स्टोरी कि मतलब याद रखने लायक? नहीं, मुझे तो लगा ना ये तौसी का जो भी मैंने बोला मुझे बहुत मस्त लगा, लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था मैंने, जो खुलासे उन्होंने किए हैं काफी अच्छे हैं, बट उनको और थोड़ा एक्सपेंड करते तो मजा आता, लाइक जैसे इन्होंने ये यौगिक नाग जो आप बोल रहे हो, और दूसरा वो शिलादित्य का ही जो था, थोड़ा उसको स्टोरी दो चार पेज दे सकते थे कि कैसे रहा वो अप्सरा हुई, देखो वो सब चीजें, इट वाज लाइक अ मील व्हिच व्हिच में आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी दे दी और आप भूखे रह गए एट द एंड ऑफ फिफ्थ पार्ट, नो बट अमित भाई जैसे कि आप बोल रहे हो ना कि आप इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो, अब मैं इमोशनल कुछ भी ऐसा नहीं है, अगर आप देखोगे जब हमने आरण्यक पर पढ़ी थी या फिर हमने वो जो उससे पहले वाली नाग पर पढ़ी थी राइट, उसके भी नहीं, आई थिंक आरण्यक पर्व में वो जो शंकर शहंशाह वाला है राइट, वो गाना गाता रहता है बेटी के बारे में याद करता है, सो और या फिर ड्रैकुला, द मोमेंट ड्रैकुला बनता है जो कि जब भगवान भी नहीं आते शैतान सुन लेता है आपकी बात, तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स की जो याद रहता है, ये ध्रुव की प्रतिज्ञा प्रतिशोध की ज्वाला में, सो देयर वाज नेवर दैट थिंग हियर, द होल स्टोरी वाज कि हां यार फिगर आउट करते रहो अपना राइट, कि जैसे बच्चों को बिजी रखो राइट, 8 घंटे तक बिजी रहेंगे किताब लेके, बच्चों को बिजी रखो लेकिन किसके बच्चों को, पब्लिशर के बच्चों को, बच्चों को पब्लिशर के बच्चों को बिजी रखो, फाउंडेशनल स्टोन फॉर व्हाट्स गोइंग टू हैपन, उसमें था उसमें था उसमें था बहुत सारे थे, एक फ्रेम था जहाँ पे नागराज खड़ा उसके पीछे उसके रोग गैलरीज है पूरे मतलब विलन, और वो सोच रहा है कि अगर मैं महानगर से चला जाऊं तो ये सारे लोग यहाँ पे आके प्रॉब्लम नहीं करेंगे, और उसके सारे विलन कैरेक्टर्स को उसके पीछे एक बोट पे वो जा रहा है या स्टीमर बोट में वो खड़ा है कहीं पे, सारे उसके विलन्स पीछे हैं, तो दोस फ्रेम्स वेर, हाँ दोस फ्रेम्स वेर गुड, मतलब तो फ्रेम्स वेर गुड राइट, बट समवेयर कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया राइट कि मेंटल पिवट, मतलब 3 हफ्ते बाद वापस मैं पढ़ रहा हूं ना तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि मेरे को लगा कि इसमें भूल चुका हूं सारी चीजें, तो जीत के पॉइंट पर अगर मैं एक चीज बस सिंपल कंपेयर करूं ना, तो अनुपम जी ने जो जनरल कॉमिक्स ही लिखी हैं 35-30 कॉमिक्स, मतलब अगर सर्प सत्र के 5 पार्ट बन सकते हैं तो किरी क्रेयर के 7 पार्ट बन सकते हैं, 7 पार्ट बन सकते हैं, सामरी की ज्वाला के 4 पार्ट्स बन सकते हैं, ठीक है, ये चैंपियन किलर तो 2 पार्ट में खत्म ही नहीं होना चाहिए था, 10 पार्ट में खत्म होना चाहिए था चैंपियन किलर, मुझे एक चीज बताओ कि आप लोग एक तरफ तो बोल रहे हो कि जल्दी खत्म कर दी स्टोरी, दूसरी तरफ बोल रहे हो कि बहुत खींचे हुए हैं, पुरानी कॉमिक्स होती तो ज्यादा पार्ट में आती, तो क्या है मतलब किसका ओपिनियन क्या है? ये सोचो ना कि हम लोग ये पढ़ने के बाद भी अनुपम जी के पुराने काम को याद कर रहे हैं जो कि उन्होंने 20 साल पहले बनाया था, मतलब वो ज्यादा बेटर था कि ये ज्यादा बेटर है, मतलब बेटर रहेगा, मतलब टेक अ एग्जांपल किरकी आता है, मतलब वो एक कॉमिक्स में इतने सारे आइकॉनिक मोमेंट्स है, वाओ मोमेंट्स, मतलब आप थकोगे नहीं बोल बोल के, ठीक है, मतलब ठीक है किरकी का बाइक काटना तो छोड़ दो, उसमें ऐसा ऐसा था, एक था मतलब ध्रुव का जहाँ पे ये फाइट होता है उसके लेट्स से ऑपोजिट वो विलेन लोगों से, फिर एक था चंडकाल के वो जो चंडक ज़ॉम्बी से जो फाइट था वो अमेजिंग था, फिर वो चंडकाल का जो वो था वो हाथ में ऊपर रहता वो डंडा उससे शार्क का पेट काट देता, मतलब ऐसे वाओ मोमेंट्स बहुत से थे वहां पे, किरकी का एक था वहां पे किरकी अपना वो खड़क छोड़ता है ऐसे घूम के जाता है विलन्स के पूरे टुकड़े कर देता है, हाँ एग्जैक्टली, तो दोस वेयर मींस अमेजिंग, एक कॉमिक्स में 32 या 62 पेज 64 पेजेस यार पेज की कॉमिक्स में इतने सारे वॉर मोमेंट्स थे, एंड इफ यू कंपेयर हियर आई थिंक दैट्स व्हाट जीत भाई इज टेलिंग, यू हैव अ 5 पार्ट स्टोरी,
can we recall any those such wow moments? That will be difficult. Yes, I agree to that. ये थोड़ा disappointment तो है, मतलब apart from story ending abruptly, ये जो wow moments हैं, मेरे लिए तो first part सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि first part में बहुत अच्छी, तो ये trap है actually, trap release करी है किसी और publisher ने, लेकिन मुझे लगता है MG का ये trap था कि first part साला इतना अच्छा बना दो, उसके बाद लोग बाकी के चार parts खरीदेंगे ही खरीदेंगे, artwork इतना सही बना दो, बाकी के चार पार्ट्स में हागो आर्टवर्क में यार क्या बना है यार, सीरियसली यार। अभी एक एक वो लेते हैं आर्क, वो जो वकालत हुई है राइट, वो पता नहीं है अबंडेंट फैक्ट्री में, वाज इट नेसेसरी, मतलब क्या है वो, मतलब वो फालतू का जितना टाइम पास किया है ना वहां ले जाकर कि, और वो विसर भी को अलग नौटंकी साड़ी पहन के कोट पहन के उसको वकालत करनी, राइट, व्हाई इज इट नेसेसरी, कहीं उनके लिखा है नाग सत्र में पता नहीं किस में कॉन्स्टिट्यूशन में कि वकील को ये अटायर में ही आना है। नहीं आप लोगों के लिए ना, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, शी इज नाउ बीइंग वकील, वो समझाने के लिए एक्सप्लिसिटली, एक्चुअली वो डिग्री लेने भी गई थी बट उसका सर ने दिखाया नहीं, पेजेस ज्यादा खप जाते कि उसके बाद डिग्री है वकील की। देखो, और ना मतलब देखो, वकील इज द मेन कैरेक्टर ऑफ होल सब सर, तिरुमला से शुरू होता है और आखिर तक अदालत इज मेन थिंग, वकालत, तिरुमला वकील नहीं है अंशुल भाई। अरे तो वकील कौन थी भाई, एक वकील भी थी ना तिरुमला, तिरुमला जर्नलिस्ट थी ना, वकील थी ना, अरे फिर अब कंफ्यूज मत करो कॉमिक दोस्त, आप गलत हो सकते, पर ठीक है। नहीं एक और चीज जो मैंने नोटिस करी इस किताब में राइट, कि हर कोई आकर अपनी बढ़ाई चढ़ाई करता है, तौसी तो आई कैन अंडरस्टैंड, कालदूत भी आई कैन अंडरस्टैंड, नागराज आता है शीर सागर से, बोलता है तो मेरे एक बूंद में मैं शीर सागर को समेट लूंगा और ये वो, राइट, 35 years के बाद भी नागराज कहीं पे एंट्री मारता है, उसको ऐसे खतरनाक डायलॉग की कोई आवश्यकता है, और ये नागू वाला नागराज नहीं है, ये सही वाला नागराज है, अपना वाला है। इसको इट्स फॉर द न्यू जनरेशन लीडर्स, सो दैट वाज फॉर द न्यू जनरेशन लीडर्स हु आर हु हैव जस्ट बीन इंट्रोड्यूस्ड टू नागराज, व्हाट कैन नागराज डू, तंत्रिस्ट लाइक दिस गाय डूड, गाइस दिस ड्यूड इज द सुपरमैन ऑफ इंडियन कॉमिक्स, नहीं लेकिन उसको तंत्रिता कंट्रोल कर रहा था ना जीत भाई, जो मेन वाला नागराज है जब वो यहां पर आया था क्षीर सागर, मतलब जो आप कौन से पार्ट की बात कर रहे हो, फोर्थ की लास्ट वाले, फोर्थ में जब आते हैं राइट, उसके पहले गिज के साथ फाइटिंग होती है, अच्छा हाँ हाँ, वहाँ पे वो जो जी18 के साथ लड़ाई करता है जहाँ पे वो, उसका एक रीजन मुझे ये भी लगता है पूरे सर्प सीरीज में मुझे कहीं भी कोई भी कैरेक्टर सौम्य नहीं लगा, हाँ, सब रौद्र रूप में एकदम, मतलब वेदाचार्य तक अपने आप को पता नहीं क्या समझ के जाता है अपना धोती और अंगोछा लेके कि पेल दूंगा सबको मैं, एंड मेबी दैट वाज आल्सो समथिंग अ बिट मतलब थोड़ा सा अजीब था इस सीरीज के बारे में कि हर कोई आके ही मतलब अंगारा जैसा बात कर रहा है, ए सागर राज इधर आ मेरे पैर में पड़, नागराज भी बोल, तो तौसी का वही जैसे जीत भाई ने कहा तौसी का मैं समझ सकता हूँ, बट नागराज वैसा कुछ कह रहा है वो इट्स हार्ड टू वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट दैट, क्योंकि आपने उस कैरेक्टर को कभी उस तरह से बात करते हुए नहीं देखा। वेदाचार्य राइट, वेदाचार्य आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर वो शिलादित्य को ढूंढने के चक्कर में इस तरीके से बात करता है आई कैन अंडरस्टैंड, या भारती की जान पे आ रही है आई कैन अंडरस्टैंड, उसको पता नहीं क्या चल, नागराज भी तो मरने की कगार पे था, कहां था, लेकिन वो वहां था ही नहीं जहां पे वो लड़ने जा रहे हैं, वहां पे कहीं पे ऊर्जा का स्रोत मिला, चलो चलता हूं। वैसे गुस्सा की लगी पड़ी थी और आप ऐसे बोल रहे हो, सो बहुत सारे लूज एंड्स हैं, जैसे तिरुमला का लास्ट पार्ट में कुछ दिखाया नहीं ना, वो तो अलमारी में है कि कहां अभी तक कहां है, अलमारी में ही थी कि कहीं और गायब थी वो, निशा इज टेकिंग केयर ऑफ हर बोला था ना। अमित भाई वकील थी, अमित भाई क्या आंखें देखो, निशा इज टेकिंग केयर ऑफ हर, अमित भाई वकील थी, आई जस्ट चेक्ड, और है उससे आप कंफ्यूज हो गए, मजे ले रहे थे मैं, अरे निशा थी रिपोर्टर, वो उसका टेक केयर कर रही थी। नाउ अ क्विक क्वेश्चन, नागराज की फेवरेट डिश क्या है, भगवान जाने, शाही पनीर, शाही पनीर जला हुआ शाही पनीर, बट उसे खाया नहीं तो यू नेवर नो कि उसकी फेवरेट होती कि नहीं,
जल गया पहले ही। देखो वैसे भी आप तो शादीशुदा, तो पता है कि आपका फेवरेट मैटर नहीं करता, जो आपकी पत्नी सोचती है कि आपका फेवरेट है वो मैटर करता है, ठीक है। वो भाई साहब तो विसर पे के ख्यालों में खोए हुए थे, वो बेचारी उसको शाही पनीर चाहिए पनीर बना के। नहीं बट दैट्स राइट कि हम लोग वी आर स्टिल गोइंग बैक टू फर्स्ट बुक राइट, क्यों चलो हम लोग हंस भी रहे हैं। अमित भाई समराइज द लास्ट बुक, लेट्स डू इट। अमित भाई भाई वो सबसे बड़ा पार्ट है, उसको समझ कैसे दोगे आप? अरे आप दे रहे थे ना थोड़ी देर पहले, फटाफट कर दो ना। हां तो बेसिकली ये सोचो कॉमिक्स दोस्त का 1 मिनट का वीडियो है, बस शुरू हो जाओ। नहीं नहीं भाई उसको 1 मिनट के वीडियो के लिए 3 घंटे लगते हैं, ऐसे लाइव नहीं होता वो। ये तो है बहुत नहीं तो हां बेसिकली अपने को बात करनी चाहिए लास्ट में क्या हुआ एक्चुअली। तो बेसिकली वही है ना कि नागू पहुंच जाता है वो शीशे के अंदर और वो देखता है सामने नागराज टुकड़ा पड़ा है, उसके टुकड़े टुकड़े पड़े हैं राइट। उसके बाद फनी थिंग इज कि उसको रोकने के लिए पीछे से वो आती है अपनी सौडांगी और नागू उसको पूछता है कि तू कैसे आई, तो वो बोलती है वेदाचार्य ने भेजा। जबकि उसके जस्ट पहले आप पढ़ोगे तो वेदाचार्य तो अपना अंगोछा लेके निकल चुके हैं लड़ाई करने के लिए, बट स्टिल वो पहुंच जाती है उधर और नागू उसकी सुनता नहीं है और आ जाता है तंत्रता के बहकावे में। अब तंत्रता उसको कांच में डाल के निकल लेता है, ऐसा हमको दिखाया है वहां पे, ठीक है कि तंत्र अभी नागू आ गया है पीसेस में शीशे के अंदर और तंत्रता निकल चुका है। बट कट टू जब फाइट सीन होता है तो बोलते हैं कि नागू के अंदर है तंत्रता, तो वो भी उन्होंने ट्रांजिशन दिखाया नहीं कि कहाँ पे वो नागू के अंदर घुसा तंत्रता, फिर वो घुसा नागराज की बॉडी के अंदर G18 को हरा के 2 मिनट में, जिससे नागराज बेसिकली आई थिंक 4-5 पेजेस में तो लड़ ही रहा था G18 से, तो उसको हरा देता है नागू तुरंत आके नागराज की बॉडी में चला जाता है। ऊपर अपने कोबरा घाटी में तौसी आ चुका है अपने सारे ये क्या नाम है नागदीप वासियों के साथ ना, वो बेहोश है अभी आस्तिक और आस्तिक के पास वो बेहोश है और उधर आपके विलेन मंडली आ गई है जो एक दूसरे को ब्लैक मतलब ये वो तो बहुत ही मतलब क्या था गेम, गेम कर रहे हैं एक दूसरे को, आपस में ही लड़ रही है और, आपस में लड़ रहे हैं और वो लोग को भी जाना है तौसी के पास उसकी इच्छाधारी शक्ति खींचने के लिए। तो फिर वहां पे फिर वो आधे लोग चले जाते हैं, आधे लोग पार्किंग में ही रह जाते हैं। अमित भाई यहाँ पे आप एक मिनट के लिए सबके ऑब्जेक्टिव बताओ तो। सबके ऑब्जेक्टिव किसके मतलब? विलेंस के अपने मेन जो है राइट, कालचक्र को कंट्रोल करना है तौसी को, मिस किलर और नगीना को चाहिए इच्छा शक्ति, और नगीना का तो जैसे विवेक भाई ने बोला वो ड्रैगन किंग से उसको भूख लगी है कि मेरी इच्छा इच्छा शक्ति बोल रहा है क्या ये इच्छाधारी शक्ति इच्छाधारी शक्ति इच्छाधारी शक्ति दो ये हो गया। नगीना को भूख लगी है ड्रैगन किंग से, वो बड़ा खतरनाक था। तो और फिर नागमणि का तो है ही, वो नागराज हो चाहे कोई हो उसको क्लोन बनाना है बोलता है ना, तौसी का क्लोन बनाना है, तौसी का क्लोन बनाना है नागदंत जैसा, ठीक है। तो इसमें एक दो पार्टियां है ना जो कि चिप भी बनाती हैं, दिमागी चिप जो कि अभी तक इलन मस्क ने नहीं बना पाए हैं, वो नागमणि बना देता है। वो चिप का कॉन्सेप्ट तो मेरे को समझ में नहीं आया, वो प्रिंस पिक्चर देख लो आप जाके विवेक ओबेरॉय की, तो मेमोरी को ट्रांसफर कर देते उन लोग मतलब वो चिप बनाया किसने, उसको तौसी में डाला कैसे? ये 1980s में बना था कालचक्र में, तौसी के कालचक्र में बना दिया सर पे डाल दिया था। ये टेक्नोलॉजी आ गई थी, मतलब कालचक्र भी क्या गधा है, मतलब अभी यहाँ पे यूएस मतलब ऐसा चिप बना करके पूरा वर्ल्ड डोमिनेंस की बात कर रहा है, कालचक्र आज भी चिंदी चोरगिरी कर रहा है ये यहाँ पे कर रहा है, वहां पे उसने तौसी प्रदेश बना दिया था तौसी की कहानी में। अच्छा बट वो नागमणि हरामी था ना थोड़ा, उसने चिप में भी थोड़ा कोड चेंज करके बोलता मेरे कंट्रोल में था, तेरे कंट्रोल में नहीं था, कंट्रोल में भी नहीं था। और फनी थिंग इज वहां पे एक पैनल है जिसमें नगीना भी अफसरा निकलती है, वो देखा आपने इतना हंसा होना, फेसलेस इनको मार देता है, फेसलेस इनको पकड़ लेता है सबको और सामने से अफसरा बोलती है मैं, और फिर उसको गला पकड़ लेती है और नगीना में बदल जाती है। मैंने कहा क्या, फिर उधर बाकी तो आपने देख उसके आगे क्या होता है, वो लोग आगे पहुंच जाते हैं उधर कोबरा घाटी बाकी के लोग, जिसमें सौडांगी होती है अभी, अफसर इधर फंस चुकी है। अब फिर लड़ते हैं वापस पाताल लोक में, एक्शन ही एक्शन है ना, और हाँ कोबरा घाटी में एक्शन ही एक्शन हो रहा है उधर। और फिर अपना नागराज भी आ जाता है धरती फाड़ के, लावा फाड़ के, उससे पहले वो अपना ये नागार्जुन थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता है कि हमारी इच्छा का धारी शक्ति कम है, हम थोड़ा गर्मी में हैं, लड़ नहीं पा रहे हम लोग भाई लोग, तो इसको थोड़ा होश में लाओ तौसी को
तो तौसी को होश में लाया जाता है, उसके बाद वापस से इच्छाधारी शक्ति उनके पास आती है, बट फिर तौसी भी जग जाता है। फिर जैसी तौसी इनको पेलने वाला होता है, नागराज आ जाता है, फिर तौसी और नागराज की लड़ाई होती है थोड़ी देर, फिर उसमें अपने आस्तिक बाबा भी बोलते हैं कि मैं यज्ञ करूंगा और छोटे मोटे नागों को पहले खाऊंगा, फिर बाद में खाऊंगा इसको नागराज को। अरे अभी फिर बोलता है, लेकिन कहीं पे भी ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि वो जो एकदम फर्स्ट बुक में था वो सुनामी नागदीप पे क्यों आया था? अरे वो सेकंड वो तो फर्स्ट पार्ट में ही हो गया था ना, पंच वो तौसी के पार्ट में तौसी पंच मारता है और वो जो कालूजन हाथ है वो डाइवर्ट कर देता है उसका पंच, तो वो लगना कहीं और होता है पंच, लेकिन उसका चूंकि डाइवर्ट हो जाता है उसका पंच, तो फिर वो कहीं और ही सुनामी आ जाती है, और वो कहीं और होता है नागद्वीप, नागद्वीप में सुनामी आ जाती है। मुझे लग रहा है इंदिरा भाई को लग रहा होगा कि इसमें भी कोई ट्विस्ट निकला गया कि सेम ही रीजन था। मतलब वो रीजन था, उसके बाद तौसिक के पास ये लोग पकड़ने जाते हैं, मतलब ठीक है, मतलब मैं एक्चुअली में जहाँ वो होता है ना, पहले बच्चों की एक कहानी होती है ना कि अच्छा एक बात बताओ, मतलब पजल होते थे कि पहले दो आदमी थे, उसके बाद एक लंबी कहानी होती थी, फिर बच्चों को पूछा था अच्छा बताओ तो अब ये सब के बाद कितने आदमी थे, तो बच्चा ना भूल जाता है, तो ऐसा ही मेरे को बीच बीच में लगता है कि मतलब वो कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इट वॉज समथिंग एल्स, याद करो, इट वेंट टू सो मेनी अप्स एंड डाउन कि यू गेट टू फॉरगेट दैट कि पहला कहाँ से स्टार्ट हुआ था। बट एनीवेज, बट ये सर्वनायक को टक्कर दे सकती है, सर्वनायक को टक्कर दे सकती है, बट सर्वनायक बट खत्म नहीं हुई है, तो खत्म हुई ना नहीं, बट आई विल टेल यू वन थिंग, सर्वनायक आप ठीक से पढ़ोगे वन गो में ना, उसके देखो मतलब एक चीज है, सर्वनायक का आर्ट वर्क मतलब आफ्टर सेकंड आफ्टर थर्ड पार्ट ठीक है, मतलब आप सर्वनायक को याद रखोगे, आप भूलोगे नहीं, आप एक बार भी पढ़ो ठीक से वन गो में पढ़ो, आप याद रखोगे कि कहां पे क्या हुआ था। चैप्टर वाइज है ना सर्वनायक, ये बहुत ही ये बहुत डरावना क्वेश्चन है, ये बहुत कैजुअली पूछा गया है, सर्वनायक से कंपेयर करोगे कि नहीं करोगे, तो पूछने का मतलब ये है कि ये सर्प सत्र क्या सर्वनायक जितनी लंबी चलेगी, क्योंकि अभी बहुत सारे लूज एंड्स हैं जो कंक्लूड हुए नहीं है, तो आने वाले दिनों में पब्लिशर यही पांच पार्ट की कहानी और आगे निकालेगा सीजन टू, हो सकता है खत्म नहीं होने वाली। बट अनुपम सर का रिकॉर्ड रहा है कि वो छोड़ देते हैं ऐसे एंड में और फिर उसको लेके नहीं आते हैं, काफी लोगों की कंप्लेन रही है पास्ट में भी कि भाई वो विलेन कहाँ गया सर, अभी वो चुंबा वाले विलेन का तो सबसे ज्यादा लोग क्वेश्चन पूछते हैं, चुंबा के चुंबा वाला विलेन तो आएगा कभी, वो जब पाप और पुण्य की लड़ाई होगी तो पाप आएगा, वो वैसे ही आपके उसमें भी है ना, तानाशाह या विनाश, देखो ये उन्हीं में से उन्हीं लोगों में से एक है बाबा, चुंबा के विलेन का वेट करते हुए। पावर्स दे देते हैं ना, खूब सारी पावर्स मिल जाती है चुंबा को, बट वो मेन विलेन आता ही नहीं है, फिर वो मेन वो चुंबा उसको भी गाली देने लगता है कि यार तू क्या कैसा है, वो मेन विलेन सोचने लगता है साले मेरी वजह से तो तू इतना बड़ा बना था, पाकिस्तान क्या पाकिस्तान, चलो वापस आते हैं, सॉरी अमित भाई। अरे नहीं, तो हाँ, मतलब लड़ाई हो रही है पाताल लोक में अभी, और नागराज के ऊपर धीरे धीरे काबू पा रहा है तंत्रता, और उधर आस्तिक ऋषि जो है बोलते हैं अब तो मैं सीधा नागराज की ही आहुति देता हूँ, पहले खुद बोलता है कि पहले बड़े सर्पों की नहीं देंगे, छोटों की देनी होती है, और एक और उसके बाद खुद ही नागराज की देता हूँ डायरेक्ट, फिर बोलता है ओ शिट ये तो मानव नाग है, नाग मानव ही नहीं है, तो इसकी तो ले ही नहीं सकते हम लोग बलि, तो वहां पे वो उतना ही खत्म हो गया। वो सर्प सत्र मतलब जो सीरीज का नाम है वो पहली बार यहीं पे मेंशन हुआ है कि सर्प सत्र एक यज्ञ होता है जिसमें नागों की आहुति दी जाती है, और वो दो पेजेस में खत्म है और किसी नाग की आहुति नहीं हुई उसमें, दो चार इंटरेस्टिंग पैनल था जिसमें कि वो बताते हैं कि अब लास्ट में मुझे सर्प सत्र यज्ञ करना पड़ेगा, तो फिर जो कि महाभारत के टाइम में होता, मैं बहुत इंटरेस्टिंग यार, मैं बोला यार क्या बात पता, है, पता है ना ये महाभारत का, ये महाभारत का मतलब देखो, मतलब अनुपम सर का ये सब तो बहुत अच्छा है, महाभारत का पता है ना ये अश्वमेध यज्ञ कहाँ का है, जब परीक्षित वो अपने बाप की मृत्यु का बदला लेता है, एग्जैक्टली राइट राइट, परीक्षित को एक सांप काट लेता है ठीक है, वो मरने वाला होता है, बेटा बदला लेता है, और वो जो यज्ञ करता है बेसिकली इट वॉज कि दुनिया में जितने भी सांप है मर जाए, वो इट विल कम एंड फॉल इनटू दैट यज्ञ, सबका सफाया हो जाएगा ठीक है,
और वो यज्ञ करता है, और महाभारत या कहीं पे तो मैंने एक पैनल देखा है, मतलब ये एकदम एक्सैक्टली एक ड्रॉ किया हुआ है, वो पैनल है तीन चार ऋषि यज्ञ कर रहे हैं और वो सांप चारों तरफ से उस यज्ञ कुंड में गिर रहा है। ये एक पैनल है, ये एक तस्वीर है, ओल्ड किसी ने बनाया, नॉट अमर चित्र का था, नॉट लाइक दैट, मतलब एक ओल्ड बहुत, मतलब मैं 200-300 साल पुराना एक पेंटिंग का बात कर रहा हूँ, ऐसा है। अच्छा, ये देखो ना इंदिरा भाई का ट्रेडमार्क, राइट, मैं इंदिरा भाई बोल रहे, मैं उनको देख के भाई सेंटी होए जा रहा हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे है। और वो पैनल लेकिन अनुपम सिन्हा ने, सिन्हा जी ने जस्ट एकदम फिट किया है वहां पे, मतलब बढ़ा वो यूज नहीं हुआ उसके ऊपर। अनुपम जी ने पूरी पांच किताबों की, कौन कर रहा है इसमें यज्ञ, कौन शुरू करता है, आस्तिक शुरू करता है, राइट। हम्म, और एक्चुअल महाभारत में आस्तिक वाज द पर्सन हु स्टॉप्ड द यज्ञ। हाँ, अच्छा, उसका नाम भी आस्तिक था। वाह, हाँ, आस्तिक ही था, एंड ही स्टॉप द यज्ञ देयर। तो इसने भी स्टॉप कर दिया ना, नहीं हो रहा मुझसे। अच्छा चलो, मेरा एक सवाल, टेनी के कितने बाप? दो दो बाप, टेनी के दो दो बाप। नागराज मेरे बेटे का बाप है, मुझे वो डायलॉग याद है। एक टर्म सुना ना, धर्म पिता बोलती ना, धर्म पिता। प्लीज कोई कंफ्यूज ना हो, गॉडफादर मतलब गॉड, क्योंकि नागराज, नागराज उसको बचाता है, इसलिए उस एक तरह से उसका बाप हुआ। एनीबॉडी हु इज थिंकिंग एनीथिंग एल्स प्लीज डोंट थिंक। अरे तौसीक को और कितना गुस्सा आना बाकी है बताओ, इसे ये डायलॉग एंड में इसीलिए बोला गया है, अप्सरा द्वारा बोला गया है। अगर यही चीज G80 ने किसी ने यूज करा होता, खत्म कर चुका होता सारे नागों को अभी तक। समरी है, मियां बीवी में झगड़ा हुआ और हमें पांच पार्ट्स पढ़ने पड़े पड़े। गाना कब बजेगा इसमें? गाना डाला जाएगा, गाना लास्ट में बजेगा, तो व्यूअर्स को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, सरप्राइज लास्ट में। भाई हम लोगों ने गाना बनाया है, आप लोग प्लीज सुनिएगा। लेकिन भाई हैट्स ऑफ टू कॉमिक्स दोस्त जिन्होंने लास्ट पार्ट समराइज करने की कोशिश की। कहां किया, कुछ नहीं किया मैंने, अभी पूरा ही नहीं हुआ। नहीं, पर आपने स्टिल गिव अ वेरी गुड अटेम्प्ट, राइट। आगे कभी आगे 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 जारी रखिए, आगे जारी रखिए। तो इसमें एक और चीज था कि अगर आगे सुनना है तो आगे कर सकते हैं, बट अभी मैं अपने एक वकील साहब हैं जो रिव्यूज लिखते हैं, उनसे भी मैंने बात की थी कि पॉडकास्ट पे आइए, तो वो तो शायद इंडिया में है तो सो रहे हैं अभी, तो उनके साथ भी Q&A किया जा सकता है अगर लोगों को क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, जैसे कि हम लोगों को भी हैं, मतलब सबको ही क्वेश्चन है बेसिकली, तो किसी को तो आंसर करने पड़ेंगे, राइट। आई थिंक वकील साहब को भी क्वेश्चन है, तो हम ऐसा करते हैं कि लोग इसमें कमेंट करें अपने अपने क्वेश्चंस और वकील साहब को लेके आते हैं मेबी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन ओपन है, कौन कौन से हम लोग आंसर दे सकते हैं, या कुछ इलॉजिकली सही प्लॉट हो, आपको भी वकील साहब से इंफॉर्मेशन हो गया, भरने भरने का कोशिश कर सकते हैं। और किसको है भाई? आपको भी सॉरी, मतलब वकीलों से हो गया, थोड़ी देर पहले आप ही कमेंट कर रहे थे वो वकीलों वाला अदालत वाला सीन क्यों क्रिएट किया गया। अरे भाई, तो तिरुमला तो अभी वकील तो जलेगा ही ना, वो तिरुमला के साथ ऐसा उन्होंने व्यवहार किया, उसको रोल दिया। पहला क्वेश्चन अपना वही है ना, हमें जो कि आज हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो कालचक्र ने कब छोड़ा वो अपना चिप, जो कि वो उन्होंने एक पैनल में निपटा दिया कि एक वो पैनल में, तो उसके बालों पे उसने उसने तौसी के बालों पे हाथ फिराया और चिप अपने आप घुस गई और वो चिपक गया। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि बालों के थ्रू दिमाग के अंदर भी घुस गया, वो सब ठीक है, दैट्स फाइन, लेकिन वो हुआ कब? क्योंकि वो तो नाग बाबा के साथ नीचे पाताल लोक में लड़ रहा था ना फर्स्ट पार्ट। नहीं नहीं, तो आया ना वो बोलता है ना कि जब वो अप्सरा को ढूंढते हुए ऊपर आएगा तो मुझसे तो जरूर मिलेगा, और फिर मैंने उसके बालों में छोड़ दी, ऐसा Imply किया हल्का सा बस, ऐसा अच्छा बताया नहीं कहीं पे डाल लेना। it's a nanotechnology chip, it gets fit, you don't need operation, you sometimes you have to use your imagination, yes. sometimes comics है, जब सुपरमैन उड़ सकता है तो बाकी सब भी हो सकता है। हमने मान लिया है वो सारी चीजें कि नागराज के हाथों से सांप निकल रहा है, सुपरमैन उड़ सकता है, राजनगर जैसा एक शहर है जो कि इतना एडवांस है, जहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स और वो सारी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह सब है, हमने बहुत सारी चीजों को मान लिया है, हमने ऐसी बात नहीं है। अभी बस एक पॉइंट है कि लास्ट में क्या होता है ना, कि अभी तंत्रता को मणि में कैद कर लिया है और लावे में फेंक दिया है, ठीक है, और लावे में जाके उसको वो मिल गया, वो तलिका करके जो टीस किया था जिसने नाग बाबा को मारा है, ठीक है, और सारे विलेन भी गायब हो गए हैं,
तो अनुपम सर ने कुछ तो सोच के रखा है कि सारे विलन गायब कर दिए उन्होंने, तंत्रता को नीचे उस तलिका के पास भेज दिया है, तो कुछ और बड़ा आ सकता है अभी, I guess. The ending is विनाश में अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है. हाँ हाँ मतलब आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव. विनाश में भी ऐसे ही हुआ था, वो मंत्र दंड के लिए चंडकाल और वो लड़े थे, बट देन कहीं ऐसी रैंडमली आ गए, देयर वाज नेवर लाइक कि हां मैं वहां गायब हो गया. तो ओपन एंडिंग छोड़ दी जाती है अगर फ्यूचर में पब्लिशर के पास पैसे हो, पब्लिशर को और पैसे कमाने हो तो कहानी लिखवा सकता है, राइट? अनुपम सर जैसे बहुत सारे, सबसे बड़ा उड़न तश्तरी के बंधक, उससे बड़ा ओपन एंडिंग हो ही नहीं सकता है. नहीं, लेकिन वो उड़न तश्तरी के बंधक आने वाला है वापस इसमें, शायद डैजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव में. वो तो व्हाट इफ है, वो तो व्हाट इफ टाइप के आएंगे, बट एक्सप्लोर किया जाएगा तो क्या आप इतना पास्ट में जाओगे कि उड़न तश्तरी के बंधक तक हम लोग जाए? और क्योंकि उसमें एक पेज है ना उड़न तश्तरी के बंधक में कि अरे ध्रुव, हाँ मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तो ध्रुव चौंक जाता है कि आप मुझे कैसे जानते हो, तो वो बताता है कि हमारे पूर्वज आए थे यहाँ पे. और फ्यूचर बोलना चाह रहे हो ना, आपके फ्यूचर में जाएंगे कभी? हाँ पता नहीं यार, फ्यूचर पास मुझे पता नहीं, समवेयर मैंने भविष्य पढ़ा नहीं है, बट नहीं पता नहीं, हो सकता है नहीं, वो नहीं पढ़ सकते आप. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अनुपम जी ने वहाँ पे कमेंट किया था कि हाँ हो सकता है कि उसको वापस से हम लोग एक्सप्लोर करें, तो ये शायद पाइपलाइन में तो है, ऐसा उनका तो बहुत सारा है. अच्छा मुझे एक सवाल है जी, मतलब लास्ट कौन सी ऐसी कॉमिक्स आपको अनुपम सर की लगी जहां एंडिंग आपको परफेक्ट लगी? लास्ट याद भी नहीं मेरे को भाई. मुझे मौत चाहिए, मुझे मौत मतलब चाहिए. कहां पहुंच गए आप जनरल से पहुंच गए, राइट? जनरल से मुझे याद है, एक वो याद है और एक वो वुडू था शायद, जिसके अंदर लास्ट में वो नेपाल का प्रधानमंत्री बोलता है ना कि वो, लेकिन वो मेज अपने आप चल के कैसे गिर गई बैकड्रॉप में. हाँ, मापाल और बैकड्रॉप में वो उसकी वाइफ का वो सिलोटे होता. कुछ कुछ एंडिंग्स जो है ना, मतलब जेन्युइनली बहुत अच्छी हैं. अच्छा नहीं, अगर किरीगी का कहर, किरीगी का कहर कैसे भूल सकते हो, जो ध्रुव चल रहा है, इंसान जान भी नहीं पाएंगे. मतलब वो वाकई में लगता है कि अरे चलो कुछ तो खत्म होगा, मतलब इतना मारधाड़ मारधाड़ मारधाड़, फिर लास्ट में एकदम सुकून की अनुभूति होती है जब वो चल के वापस जा रहा होता है और धनंजय सोच रहा होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि दुनिया वाले कभी सोच भी नहीं सकते कि कगार पर आ गई थी दुनिया खत्म होने की और इस युवक ने बचा लिया, काइंड ऑफ. तो ये सब कुछ एंडिंग बहुत प्यारी एंडिंग्स है, मतलब उसमें चंडकाल मरता नहीं है लेकिन फिर भी मतलब इतना अच्छे से उन्होंने दिखाया है. सर्प सत्र में भी कुछ ऐसा हो सकता था, ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट. नहीं सारे में, बालचरित भी ले लो, राइट? आई डिडंट लाइक एंडिंग, मुझे याद नहीं आ रहा है कोई भी कि जिसकी एंडिंग मुझे वाव करी. थोड़ा यार मेरा अलग ही दुख है वो. एक्चुअली मैं बहुत ही एक्साइटेड था जब बालचरित का, चलो ठीक है एक एपिसोड खत्म होता है, बट इट वाज, आई थिंक इट वाज वे सुपीरियर. इट वाज सुपीरियर. और वो मतलब नाना जी तक पूरा ट्रेस किया है उन्होंने, ध्रुव के नाना जी तक का जो ट्रेसिंग किया है दो जनरेशन पीछे का, सो दैट वाज वेरी कमेंडेबल. और उतना ही ज्यादा मैं उत्सुक था शक्ति रूपा के लिए, लेकिन वो शक्ति रूपा कुछ और ही निकली यार. मुझे लगा कि जहां से बालचरित खत्म हुई है ना वहीं से शुरू होगा, हुआ भी वैसे. हाँ, exactly. हुआ भी, लेकिन वो कहीं और ही डाइवर्ट हो गई यार फिर कहानी. मतलब इट वाज टोटल, आई शुडंट से नॉनसेंसिकल, लेकिन बॉर्डरलाइन नॉनसेंसिकल. टॉपिक फॉर अनदर पॉडकास्ट विवेक भाई. बट हाँ, कमिंग बैक टू जीत्स क्वेश्चन, ऐसा कोई यादगार लास्ट रीसेंट पास्ट में, तो मेरे लिए तो यार वही जनरल इश्यूज के हैं और उसके बाद और कौन सा है, शायद खूनी खानदान, प्रोबेबली खूनी खानदान तो वन ऑफ द फेवरेट्स है मेरी. हाँ और कौन सा है यार, और तो मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा, और तो ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लग रहा. बालचरित में थोड़ा बहुत था, बट बट दैट्स व्हाई, राइट? खूनी खानदान इज द 100 डाइजेस्ट ऑफ आरसी, मतलब 20 साल पुराने में हम लोग जा रहे हैं. लेकिन मतलब हम लोग यहाँ आज बैठ के सर्वसत्र भी बात कर रहे हैं, मतलब वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव बीन मिसिंग ड्रास्टिकली इज अ परफेक्ट एंडिंग, राइट?
अंशुल भाई बोल सकते हैं टीएनटी यहाँ पर बट आई थिंक समवेयर दैट इज वन फीडबैक आई थिंक इसकी एंडिंग्स हैज टू बी बेटर इट इट कांट बी लाइक लर्चिंग हियर राइट एक तो रश होती है सारे सब मिल जाते हैं एंड पे और वो पिवोट नहीं रहता मेंटल पिवोट एज एन एंडिंग की हां यार बेसिकली लाइक अ प्रियदर्शन मूवी जिसमें एंड में हर कोई आ जाता है और एक कॉमिक सीन बनने की कोशिश होती है कि यार सब कुछ हो गया दुग्गल साहब एकदम काफी गहरा दुग्गल साहब को मारो जरा टॉर्च मारो रे टॉर्च मारो दुग्गल साहब क्यों आ नहीं रहे सेंटर में पता नहीं क्यों नहीं बट वही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर स्टोरी जैसे मेंटल पिवट्स कुछ चाहिए और एक बेटर एंडिंग चाहिए राइट कि आर्ट तो ठीक है मतलब क्या कहें दैट्स अ सेपरेट थिंग बट फ्रॉम द स्टोरी फीडबैक यार आर्ट तो देखो अनुपम सिन्हा ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है और कहानी भी अपनी तरफ से कहने की बहुत कोशिश करी है शायद वो कहानी तक पहुंच नहीं पाई पाठकों तक उतनी अच्छे से पहुंच नहीं पाई आर्ट वर्क उनका अच्छा है लेकिन इंकर्स बर्बाद कर देते हैं उनका आर्ट वर्क ऑनेस्टली तो ये थोड़ी शिकायत है बट हाँ एनीवेज तो ठीक है अगर जीत भाई आपने ये सवाल पूछ ही दिया है तो ये भी पूछ लो ना कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 ये सब काम नहीं करते भाई हम लोग अरे दे दो भाई लोग अपनी अपनी रेटिंग दे दो मेरे मैं तो 5 out of 5 इतना मजा नहीं आया कभी किसी कॉमिक्स को पढ़ने में फिर से बोलो फोकस के फसाद अब फिर से बोलो 5 out of 5 6 out of 5 क्योंकि इतना मजा नहीं आया भाई इतना डिस्कशन हो रहा है भाई मजे आ रहे हैं और क्या चीज जिंदगी में नहीं तो भसड़े देख रहे थे ऑनलाइन हम लोग लोगों की कॉमिक्स जगत के भसड़ों से टाइम पास हो रहा था एटलीस्ट सर्व सत्र आई कुछ तो मिला एक कॉमन ग्राउंड लोगों को गाली देने का बिल्कुल यू वांटेड टू से वो भसड़ अब कॉमिक्स में आ गई मतलब इंदिरा तुमको कैसी लगी तुम कितना रेटिंग देना चाहते हो सर्व सत्र को 2.5 to 3 मतलब पास मार्क दे रूंगा ओके जीत मैं इस पॉडकास्ट से पहले शायद 1 देता इसके बाद मैं 3 दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आई टुक मेड एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड इट राइट आर्टवर्क बिल्कुल पसंद नहीं आया जो सेकंड थर्ड से फर्स्ट बहुत सुपरलेटिव था बट आई थिंक आई लाइक्ड इट जो अटेम्प्ट है बहुत ऑनेस्ट है और बिकॉज मैंने तौसी पढ़ रखी अभी मैंने रिसेंटली तौसी पढ़ी है सो आई हैव अ कंपैरिजन टू डू कि भाई तौसी को वापस एक आरसी यूनिवर्स में लाना इज नॉट एन इजी टास्क he was a very different kind of character people have matlab main mazak mein nahi keh raha ki actually tausi ko aap padhoge na tab aapko sabsatri ki value badhegi kyunki tausi was just randomly written ki aaj ye karunga aur wo karta kuch nahi sara nag baba karte wahan pe matlab literally kuch nahi karte dekha usko pehle 20 kitabon mein to so I believe it deserves 3 art has to be improved I need some more mental pivots on a story like this ओके दुग्गल साहब देखो मैं आर्ट पे तो कुछ कमेंट करूंगा नहीं मेरे लिए खराब आर्ट का एक ही बेंचमार्क है एक किताब यू नो व्हिच वन आई एम टॉकिंग अबाउट नाम ले लूं बेटर नाम ले लूं प्रोफेसर अश्वत्थामा ओह यस आई हैव दैट फर्स्ट आर्टवर्क तो उससे तो आर्टवर्क का बेटर है स्टोरी बहुत अच्छा है एंडिंग मजा नहीं आया भूख खत्म नहीं हुई तो आई विल गिव इट नगीना बन गया आप बे इच्छाधारी शक्ति की भूख रेस्टोरेंट में जब जाते हो खाने वो एक सैंपल मील आता है ना ये सैंपल मील ही था सैंपल मील देख के फिर उसके आगे मेन कोर्स आया नहीं कभी तो 3 2.5 3 स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है तो मेरा भी वही है यार मेरा मैं अटेम्प्ट के लिए यार देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने एक पब्लिशर के साथ एक कॉमिक पेज ड्रॉ किया था और वो एक कॉमिक पेज ड्रॉ करने में मेरी जो हालत खराब हुई थी ना ये प्रोफेसर का बदला है हाँ तो वो जो मेरी हालत खराब है तब मुझे समझ में आया था कि यार ये कॉमिक बनाना कितना जटिल काम है कैरेक्टर्स बनाना कितना जटिल काम है तो मैं उसके लिए मैं 3 बोलूंगा 3.5 और अनुपम सिन्हा की वजह से ही कॉमिक इंडस्ट्री है अभी ठीक है कभी कभी सचिन भी 0 पर आउट हो जाता है तो वो वाला केस है शायद लेकिन बट हाँ कंफ्यूजिंग है काफी स्टोरी सो बट हाँ मेरी वजह से मेरी तरफ से 3.5 गुड इसी बात पे गाना बजा देना नहीं नहीं दुग्गल साहब आपने बोल दिया ना बजाते
भाई इतनी चढ़ गई मैं पूछ रहा हूँ, बट हाँ एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, व्हाटएवर इट माइट बी, व्हाटएवर आवर रेटिंग्स एंड एवरीथिंग, अनुपम सिन्हा जी मींस विल बी अ लेजेंड, हैज ऑलवेज बीन, एंड वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर हिज वर्क. ये तो मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ. मतलब मतलब नो डाउट उनके जैसा स्टोरी टेलर, आर्ट वर्क वन इन पैकेज, मतलब शायद ही इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री में आया होगा. आई थिंक प्राण जी थे, मुझे हार्डली दो तीन लोगों के नाम, मनोज वारियकर जी थे, अनुपम सिन्हा, दो तीन लोग जो खुद ही अपना स्टोरी लिखते थे एंड ड्रॉ करते हैं, ठीक है. एंड ही हैज बीन लेजेंडरी, मतलब उन्होंने जो काम किया है, जो कैरेक्टर्स उन्होंने लिखे आज से 30 साल पहले, अभी भी हम लोग बात करते हैं. सो दैट काइंड ऑफ अ ऑरा, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर उन्होंने बनाया. तो नो डाउट इवन नेक्स्ट साल भी कैसे भी उनकी कॉमिक्स में, वी आर गोइंग टू बाई दैट, वी आर गोइंग टू रीड इट, वी आर गोइंग टू रिव्यू इट. And that is our love for at least Anupam Sinha, at least the person he is, the artist we admire. Yeah. Indra, raise a toast, man. हम लोग यहाँ पीठ पीछे ये सब बोल रहे हैं, आप उनसे कभी वाकई मिलोगे एक भी शब्द नहीं बोल पाओगे आलोचना वाले. जज करना तो बहुत दूर की बात है. और ये वो आदमी बोल रहा है जज करना जो जाके बैठ के आया है. हाँ, ये वो आदमी बोल रहा है. अरे वो इसीलिए बोला गया बताने के लिए, मैं ही हूँ वो. ये सेल्फ पब्लिसिटी के लिए डाला गया था. जीत भाई, आप वन ऑफ दोज भाग्यशाली फैंस हैं जो कि आप अनुपम सिन्हा से इतना अच्छे से मिले और उन्होंने टाइम दिया आपको. सो वी ऑल एनवी यू फॉर दैट. इसी नोट पे हम लोग एंड कर सकते हैं. हाँ, हम लोग एंड करते हैं. आप और हाँ, कमेंट्स में प्लीज लिखिए कि अगर नहीं, मैं कह रहा था कि कमेंट्स में बस लिखिए कि ऐसे कौन से सवाल हैं जिसमें हमारे असली वकील को बुलाया जाए. अमित भाई बुलाएंगे वकील को और वहां पे जवाब सवाल होंगे. और ये भी लिखेगा कि नेक्स्ट कौन सा हम लोग रिव्यू करें, राइट. और इसके बाद आप लोग गाना सुनेंगे और गाने पे कमेंट कीजिएगा. हमारे बहुत ही उभरते से हिडन टैलेंट को हम लोगों ने ढूंढ के रखा है. और वो हिडन टैलेंट तभी आएगा कैमरे पे जब आप लोग इसकी तारीफ करेंगे, अभी तो है नहीं. और अनुपम सिन्हा वाले ग्रुप पे एक एक आर्टिकल दे दीजिएगा, राइट. उसकी भी लिंक दे दीजिएगा नीचे. यस यस, चलिए. ओके 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 गाइस, बाय बाय. चलो सर्वशत्रु की कहानी, कुछ नई कुछ पुरानी, ना पुरानी हो कर भी कर देती है हैरानी. नाग्रास्तों से मिथी तक रात, पाताल कथा जो सरदार, अब सरा से करता था प्यार, अब सरा से करता था प्यार. यहाँ भी सर्पी वहाँ अप्सरा, यहाँ सौडंगी वहाँ त्रिमुला, कहीं मिलती नहीं राहत, करे गल्ला सबको आहत. ऐसे इस माहौल में, बेहतरीन कॉमिक्स की चाह में, जल रहा है कॉमिक्स जनता, जल रहा है कॉमिक्स जनता.